तो दोस्तों इस वीडियो में हम एंजल वन पे अकाउंट बनाना आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एंजल वन पे अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तो इस लिंक पे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको अपना डीमैट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और अपना ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP आएगा जो कि ईमेल को वेरीफाई करने के लिए होता है। वो डालने के बाद आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल देनी है और परमानेंट अकाउंट नंबर जैसे फादर्स नेम, ये अपने जो पैन कार्ड में डिटेल्स हैं उसको फिल करनी है और कंटिन्यू कर देना। उसके बाद डिजी लॉकर से आपको अपनी KYC वेरीफाई करनी होगी, जो भी आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई हो जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा डिजी लॉकर का, जो प्राइवेट लिमिटेड जो उस पर OTP आता है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे 6 डिजिट का पिन एक बनाना है, जो कि आपका अगर पहले का डिजी लॉकर का बना हुआ है आप वो डाल सकते हैं, वरना अगर आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट करके उसका नया बना के भी यहाँ पर डाल सकते हैं। 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनेगा, वो आपको अगर पहले से बना रखा है आपने तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एक डिसाइड डिजी लॉकर कर देते हैं, अपना सिक्योरिटी पिन बना देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है और अपना डिजी लॉकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपकी जो डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ फैक्स डिटेल हो गया है, आधार कार्ड हो गया है, फिर आपको यहाँ से अपना फैक्स कर देना है। फैक्स होने के बाद सक्सेसफुल रिसीव डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद हम लिंक बैंक अकाउंट करेंगे अपना, तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म करने के बाद IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। तो अपनी सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी है और वो क्लियर सेल्फी होनी चाहिए एकदम, तब ये वेरीफाई हो पाएगा। तो अपनी एक सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आई है तो आप ट्राई अगेन पर क्लिक कर दूसरी सेल्फी ले सकते हैं और फिर कंफर्म बाद में कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी सेल्फी लेके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पर साइन करना होगा अपना एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप साइन करेंगे और इस तरीके से टिक करके और सबमिट कर देंगे। साइन आपको ठीक से करना है, अगर दोबारा से गलत हो गया है तो आप साइन इन अगेन कर सकते हैं और अपना आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको डू इट लेटर भी कर सकते हैं, मतलब आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। तो हम चलिए डू इट लेटर कर देते हैं ताकि हम बाद में करेंगे। और अपनी एनुअल इनकम डिटेल जो है यहाँ पे आपको फिल करनी है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। यहाँ पे फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप करना है, जैसे कि आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस जो भी हैं वो भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अपनी डिटेल्स देंगे, मेल, मैरिड जो भी है वो करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपना जो चूज़ योर फंड्स है इसको भी स्टेटमेंट है जो उसको क्वार्टर वाइज हमने सिलेक्ट कर लिया है, आप मंथली भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड 3 नॉमिनी, मतलब आप अपना जो भी नॉमिनी है यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नीचे हम ऐड नॉमिनी पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना नॉमिनी ऐड करके आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ से अपना नॉमिनी ऐड करना है और यहाँ से आप नॉमिनी को ऐड करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपको अपने नॉमिनी को उसका कितना परसेंट बनाना है। जैसे कि अभी मैं आगे आपको बता दूँ, जैसे नॉमिनी का हमारा क्या रिलेशंस है, तो हम रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे और उस नॉमिनी की डिटेल डालेंगे, जो भी उसके पैन कार्ड में डिटेल है हमें वही एकदम क्लियर वही डिटेल डालनी है सारी, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी वही डालनी है। और शेयर परसेंटेज जो नीचे लिखा है आप अपना अपना उसके मतलब जो है उसको शेयर कितना देना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं, जितना भी देना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। और ऐड नॉमिनी होने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपको अपना वेरीफाई करना पड़ेगा और मतलब आधार से वेरीफाई होगा, तो आधार पर जो OTP आएगा यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से कुछ हो जाएगा, फिर एंजल वन के पास आपका अकाउंट पहुँच जाएगा। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं और आपका अकाउंट तो बन जाएगा और आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अगर आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आई है, सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है, तो एंजल वन वाले आपसे कुछ कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे। और अगर हो जाता है सारा तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का आपके फ़ोन में इंटरफेस आएगा और उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप डीमैट अकाउंट आपका बन गया है और आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब